दोस्तों, आपने शाहरुख खान की बाजीगर फिल्म तो देखी होगी। उसका एक मशहूर डायलॉग है, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। 2024 के चुनाव ऐतिहासिक चुनाव थे, ना सिर्फ इसलिए कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई थी, बल्कि इस चुनाव के परिणाम भी ऐतिहासिक निकले। भाजपा का 400 पार का नारा फेल हुआ और भाजपा अपने बल पर सिर्फ 2040 सीटें निकाल पाई और उसे सहयोगी साथियों की मदद भी लेनी पड़ी इस नंबर तक पहुंचने में। जबकि सब कमियों के बावजूद इंडिया अलायंस को 232 सीटें मिली, जो कि 2019 के चुनाव को देखें तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। हम सब जानते हैं कि ये एक तरफा चुनाव था। एक तरफ भाजपा का आईटी सेल, उसकी अपार संपत्ति, सारा का सारा गोदी मीडिया, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ईडी, सीबीआई, पूरा प्रशासन, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, जिनके कई लीडर जेल में, कोई सीबीआई ईडी के दबाव में, उनके अकाउंट्स तक फ्रीज कर दिए गए। इन सब के बावजूद भी भाजपा 272 की संख्या अकेले नहीं जोड़ पाई और आज उसे उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के आगे झुकना पड़ रहा है जिनको सताने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जेडीयू और टीडीपी ने भी चुनाव के कुछ समय पहले ही ईडी और सीबीआई के डर से ही एनडीए अलायंस ज्वाइन किया था। इस चुनाव से क्या निष्कर्ष निकलता है? बीजेपी का बबल बर्स्ट हो गया है। बीजेपी के 400 पार के सपने पे जनता ने ब्रेक लगा दिया है। कहां तो 400 पार करके संविधान बदलने की बात कर रहे थे और कहां 240 पे ही निपट गए, तो अब संविधान के आगे सर झुकाना पड़ रहा है। भाजपा सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर चुनाव लड़ती थी। 2014, 2019 और 2024 में भी उन्हें लगा कि बस इस बार भी मोदी सरकार, लेकिन उन्हें उनके हिंदुत्व के गढ़ उत्तर प्रदेश में ही हिंदुओं ने ही हरा दिया। इसीलिए कहते हैं, जनता को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये भाजपा ही नहीं, विपक्ष पे भी लागू होता है। जहां जहां विपक्ष ने सोचा कि यहां तो हम जीत ही जाएंगे, वहां भी उन्हें करारी हार मिली। क्या मोदी जी का जादू कम हो रहा है? 2019 के चुनाव में भाजपा अकेले ही 303 सीटें जीत गई थी और इस बार सहयोगियों के साथ मिलके 272 का आंकड़ा पूरा हुआ है। मोदी जी तो अपने बनारस में भी हारते हारते बचे हैं। पिछली बार जहां 5 लाख के वोटों से जीते थे, वहीं इस बार 1.5 लाख के वोटों के अंतर से ही जीत पाए। इतने चुनावी भाषण, इतनी प्रेस इंटरव्यूज के बावजूद कई जगह भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी के आगे मोदी मैजिक भी कई जगह नहीं चला। 10 साल से गोदी मीडिया मोदी जी के चारण भाट का काम कर रही थी, उनके हर काम के कसीदे पड़ती रही और सबको लगता था कि विपक्ष की बात पहुंचाने का कोई और रास्ता ही नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि लोगों ने गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाए और नए नए वैकल्पिक मीडिया को चुना जो जनता की बात करते हैं। लोगों को सरकारी और पूंजीवादी मीडिया से भरोसा उठ गया है। ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। हमने कहा था ना, जनता को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, सब याद रखा जाएगा। सत्ता के घमंड में कई नेताओं ने अपनी हदें पार कर दी थी। मंदिर, मस्जिद, हिजाब, हलाल, बुलडोजर राज। इस चुनाव में सबसे मजेदार चीज जो देखने को मिली वो कि जनता ने चुनाव के सहारे उन सब को जमीन पे लाके पटक दिया। इनमें से उल्लेखनीय नाम हैं स्मृति ईरानी, प्रज्वल रेवन्ना, मेनका गांधी, अजय मिश्रा टेनी, उमर अब्दुल्ला, संजीव बालियान, अन्ना मलाई, राजीव चंद्रशेखर, अधीर रंजन चौधरी। इनमें से विपक्ष के भी कई नेताओं के नाम हैं जिनका घमंड ही उनको ले डूबा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ भी ले चुके हैं। 72 मेंबर की इस सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मंत्रालय बांटे हैं, उससे तो लग रहा है कि भाजपा अभी भी कंट्रोल रखने में कामयाब है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अग्निवीर स्कीम में बदलाव करने की बात की है। बिहार को स्पेशल स्टेटस और कास्ट सेंसस पर नीतीश और भाजपा में क्या आगे कुछ फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं? वहीं आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू को भी अपने राज्य को लेके अलग मांगे हैं। अभी के लिए ये दोनों किंग मेकर्स चुप हैं,
लेकिन जिस कोलिशन सरकार का मजाक बनाने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उसी कोलिशन के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। हमेशा से अकेले राज करने के आदि प्रधानमंत्री मोदी क्या मिलीजुली सरकार चला पाएंगे? ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस साल 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में भाजपा का परफॉर्मेंस इस मिलीजुली सरकार का भविष्य तैयार करेगा। इसी तरह की डिस्कशन और चर्चाएं देखने और सुनने के लिए फॉलो कीजिए edina.com। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು edina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।